हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल जोडियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट हो सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जेमिनाई ये रीडिंग होगा आपका April 1st से लेके April 15th 2021 के लिए। सो लेट अस सी जेमिनाई और देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल के लिए। एंड हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, आपका फाइनेंस एंड उसके बाद जनरल मैसेजेस या एडवाइसेस जो भी आपके लिए होगा। ओके सो जेमिनाई इज इन लव। ओके वाओ, आई हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जेमिनाई इज इन लव स्पिरिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल। सो यहां पे बहुत सारा वाटर एनर्जी है, फायर एनर्जी है जेमिनाई। आई हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, मेरे पास दो किंग है यहां पे जेमिनाई। इंटरेस्टिंग, ठीक है, जेमिनाई इज इन लव, वन कार्ड, वन मोर कार्ड स्पिरिट, जेमिनाई इज इन लव। What should they know about Gemini in love? Eight of Pentacles. चलो आपका बॉटम डेक एनर्जी है द टेन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो जेमिनाई, वॉट आई एम सीइंग हियर राइट नाउ इज कि आपका जो सिचुएशन है, इन योर लव सिचुएशन जेमिनाई, इन योर लव सिचुएशन, ओके लेट मी मूव इट हियर समवेयर। इन योर लव सिचुएशन आप एक ऐसा सिचुएशन है या एक ऐसे पर्सन है यहां पे जिनको आप एक सेकेंड चांस देना चाहते हो या जिनके साथ आप एक सेकेंड चांस लेना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अगर ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, मुझे नहीं लगता बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन होंगे, मुझे लगता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या ये पर्सन के साथ आप ऑलरेडी पास्ट में डील कर चुके हो। बट अगेन अगर ये कोई न्यू पर्सन है हो सकता है, बट आई सी आप किसी के साथ यहां पे एक कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हो। आप एक कनेक्शन को या तो एक सेकेंड चांस देना चाहते हो या एक कनेक्शन में जाना चाहते हो या एक कनेक्शन को फिर से जिंदा करना चाहते हो अपने लाइफ में, या बस एक रिलेशनशिप या एक स्टेबल सिचुएशन बनाना चाहते हो यहां पे किसी के साथ। नाउ जेमिनाई, आई फील ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, दिस इज समबडी जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, या दिस इज समबडी जिसे आप ऑलमोस्ट अपना सोलमेट मानते हो, जिसे आप मानते हो जो आपके लिए आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी सोच सकते हो, आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल लाइफ इमेजिन कर सकते हो। बिकॉज या तो आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या तो आप इस पर्सन के साथ में भी ऑलरेडी शादीशुदा हो, या आपका कोई हस्बैंड है, वाइफ है, या एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक देयर फीलिंग ऑफ कि आपको यहां पे स्टेबिलिटी चाहिए एक पर्सन के साथ, एंड आप मानते हो कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन ऑलमोस्ट आपके सोलमेट है, एंड इस पर्सन के साथ आप लाइफ में आप अपना लाइफ इस पर्सन के साथ बिताना चाहते हो, जैसे भी वो पॉसिबल हो आपके लिए। नाउ आई थिंक देयर इज टू एनर्जीज, ठीक है। सो आपको जो रेजोनेट करे वो लेना। एक एनर्जी यहां पे है दैट आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देना चाहते हो बिकॉज आपने रियलाइज किया है दैट दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ट्रांसफॉर्म, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हो जेमिनाई, या आपने कुछ डेफिनेटली यहां पे अपने एक्सपीरियंसेस से या अपने इंट्यूशन से या लॉजिकली सोच के आप एक कंक्लूशन पे पहुंचे हो, आपने एक डिसीजन लिया है यहां पे टू गिव समथिंग अ सेकेंड चांस।
या तो आप इस मैटर को और इग्नोर नहीं करना चाहते। अगर ये आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे मे बी आप इस पर्सन के साथ बात नहीं करते हो, मे बी ये पर्सन करंटली आपके लाइफ में नहीं है, आप फिर भी इस कनेक्शन को मे बी आज तक इस कनेक्शन से दूर भाग रहे थे बिकॉज ये आपको पेन दे रहा था या ये सोच के आपको बहुत ही सैड फील होता था या आपका एनर्जीज डिस्टर्ब होते थे। सो बेसिकली राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, आप इस सिचुएशन को, आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, आप इस सिचुएशन के बारे में एक प्रॉपर डिसीशन ले रहे हो कि इस सिचुएशन को कैसे मैच्योरली हैंडल किया जा सकता है, क्या इस सिचुएशन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस पर्सन को सेकेंड चांस देना चाहिए या नहीं, क्या इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करना चाहिए या कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, क्या ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे या नहीं। सो दिस इज अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी जेमिनी, जहां पे आप बहुत बड़े बड़े डिसीशन लेने की कोशिश कर रहे हो या तो आप ऑलरेडी डिसीशन ले रहे हो, ले चुके हो, बिकॉज आई कैन सी यहां पे आप बहुत मैच्योर्ड हो एंड आप बहुत ही ज्यादा लॉजिकली सोच रहे हो। यहां पे आपके इमोशंस है जेमिनी, आप इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से, एट द सेम टाइम आप लॉजिकली भी सोच रहे हो, आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे हो, आप पूरे सिचुएशन को इमोशंस के बेसिस पे नहीं सोच रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बहुत ही बैलेंस्ड सिचुएशन है आपका। लाइक आप फाइनली जेमिनी आई थिंक यू आर बैलेंस्ड, आपको पता है आपको क्या चाहिए बट उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप खुद के बैलेंस को नहीं बिगाड़ रहे हो, आप खुद को बैलेंस में भी रख रहे हो, एट द सेम टाइम आप लॉजिकली भी सोच रहे हो, इमोशनली भी सोच रहे हो, आपको पता है ये पर्सन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या सेकेंड चांस देना चाहते हो या कुछ स्टेबल कनेक्शन लाइक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो इस सिचुएशन पे। ओके, नाउ लेट मी सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज या सिचुएशन क्या है जेमिनी। पर्सन जेमिनी इज डीलिंग विद स्पिरिट, पर्सन जेमिनी इज डीलिंग विद, वाओ, आई हैव द हाई प्रीस्टेस, द डेविल। ओके, सो टॉरस और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है आपके पर्सन के लिए यहां पे जेमिनी। पर्सन जेमिनी इज डीलिंग विद स्पिरिट। आई थिंक इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे सिक्स ऑफ सोच, बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारा ख्याल है आपके बारे में। या क्वीन ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, वाओ, बॉटम डेक एनर्जी है द नाइन ऑफ कप्स। सो जेमिनी, आई फील आप इस पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जितना ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट इस पर्सन के बारे में एक चीज है कि इस पर्सन का जो फीलिंग्स है आपके लिए या ये पर्सन जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, ये पर्सन ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, मे बी आपको ये स्टॉक करते हैं, आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं ये पर्सन, या आपका नाम उनको दिखाई दे रहा है कहीं पे, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग हैं, जनरल रीडिंग है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, या आप इस पर्सन के आसपास हो या आपके एनर्जी को ये पर्सन फील कर पाते हैं, देयर इज दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी, लाइक एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो। डजेंट मैटर कि आपका करंट सिचुएशन क्या है इस पर्सन के साथ, डजेंट मैटर कि आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो या नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, डजेंट मैटर, बट वट आई सी इज ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, पोटेंशियल है, बट द प्रॉब्लम इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिस कारण से मे बी ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या आपको एक प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हैं इस वक्त, या तो अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आई सी इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या मे बी ये पर्सन पढ़ाई करते हैं, मे बी ये पर्सन जॉब करते हैं, मे बी इस पर्सन को अपनी फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस जो आप दोनों के बीच में है, एंड ऑल्सो आई सी उस ब्लॉकेजेस के कारण ये पर्सन इस वक्त अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, लाइक या तो ये पर्सन बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, या तो इस पर्सन से बात करके आपको लगता है ये पर्सन तो बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, अगर ये मुझसे प्यार करते या अगर ये मुझे लाइक करते पसंद करते तो
वो जरूर कुछ एक्शन लेते, वो जरूर कुछ करते, जरूर कुछ कहते, बट ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज जेमिनाई ये पर्सन जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं आपको, या जानबूझ के ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। एंड अगर ये आपसे मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपसे झूठ कह रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये प्यार नहीं करते, बट डीप डाउन जेमिनाई बिलीव मी और नॉट, इस पर्सन के मन में बहुत सारा फीलिंग्स है आपके लिए। लाइक आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो। एंड ऑल्सो ट्रस्ट मी जेमिनाई, ये पर्सन को लगता है आप बहुत खूबसूरत हो या तो बहुत हैंडसम हो, लाइक आप में कुछ ऐसा है जो ये पर्सन खोना नहीं चाहते हैं। ओके, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि अपने सिचुएशन को थोड़ा सा बेटर करना, उसके बाद ये पर्सन मे बी आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज इन अ स्टॉर्म। राइट नाउ ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ गो थ्रू कर रहे हैं। नाउ क्या गो थ्रू कर रहे हैं ये ऑब्वियसली सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टीज, कुछ लोगों के लिए मे बी फैमिली इश्यूज है, हेल्थ इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, बहुत कुछ हो सकता है। या तो ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो जेमिनाई, बट आई सी यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है। कुछ लोगों के लिए ये छोटे मोटे ब्लॉकेजेस है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस है, बट आई थिंक ये पर्सन जो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस हटाने की, अपने लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बनाने की, ताकि फ्यूचर में ये कुछ डिसीजन ले पाए आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, या एटलीस्ट ये अपने एनर्जी को थोड़ा सा लाइट बना पाए, अपने एनर्जी को थोड़ा सा फ्री बना पाए, ताकि ये अपने लव लाइफ के बारे में सोच सके। यू नो, अगर मैं जोडियाक्स की बात करूं, मेरे पास है जेमिनाई, मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी है, एरीज, लियो, सैज भी है, एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी है। ओके, सो वो है आपका लव सिचुएशन जेमिनाई। अब देखते हैं, ओके, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जो लोग सोच रहे हो कि अगर ये आपके कोई लाइक पास्ट पर्सन नहीं, अगर ये कोई न्यू पर्सन है, क्रश है, समबडी लाइक दैट, आई थिंक ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बट राइट नाउ ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज या तो ये किसी और सिचुएशन में है, या तो ये किसी और रिलेशनशिप में है, या ये अभी अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है। बट आपके लिए इस पर्सन का जो मैं एनर्जेटिकली देख सकती हूँ, दैट इज ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है आपसे। आप जैसे बात करते हो, आप जैसे दिखते हो, या आप अगर कुछ स्पेशल करते हो, कुछ टैलेंट है आपका, या जो भी है, आई डोंट नो, इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप फॉर सम रीजन और द अदर। ठीक है, सो लेट मी नाउ सी जेमिनाई आपका करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। ओके, जेमिनाई इन करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे सुनाई दे रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट इन समथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेट मी सी, द ग्रीन मैन, द सिड, थ्री ऑफ कप्स। ओके जेमिनाई, व्हाट कैन वी नो अबाउट द करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय जेमिनाई। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओह, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ, व्हाट इज दिस, सोर्ड्स। बहुत सारा सोर्ड एनर्जी है, आपका एनर्जी है जेमिनाई। आई हैव द हर्मिट, जेमिनाइज, फ्री स्पिरिट। एट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ कप्स। स्पेशली टू दोज जेमिनाइज, जो लोग सोच रहे हो क्या मुझे ये करना मेरे लिए सही है या गलत है, मूव फॉरवर्ड इज योर आंसर। जो लोग कंफ्यूज हो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, आई एम हियरिंग मूव फॉरवर्ड इज योर आंसर। I don't know वो कैसे आपको रेजोनेट करेगा, बट वो आपका आंसर था। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग हियर जेमिनाइज फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो किसी सिचुएशन के बारे में या अपने फाइनेंसेस के बारे में। आपको लग रहा है कि मे बी दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, या आप लाइफ में पीछे हो रहे हो, या मे बी आपका टाइम निकला जा रहा है, एंड यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्या करना है। बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आई कैन सी, मेंटल ब्लॉकेजेस आई कैन सी। जेमिनाई, आप एक सक्सेस चाहते हो, एंड
ट्रस्ट मी और नॉट, जो लोग देख रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो. आप बहुत क्रिएटिव अगर कुछ करते हो, आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो. जो लोग सोच रहे हो कि मुझे क्या परस्यू करना चाहिए लाइफ में, अगर हो सके कुछ क्रिएटिव जरूर परस्यू करना. जेमिनाइज जनरली भी क्रिएटिव होते हैं, बट आई सी दिस इज समबडी हु इज वेरी क्रिएटिव. अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो या अगर आपका प्रोफेशन या आपका पैशन कुछ क्रिएटिव है, आई थिंक आप बहुत आगे तक जाओगे, आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है उसमें. एंड ऑल्सो अगर आप क्रिएटिव नहीं भी करते हो एंड यू आर कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है मेरे काम को लेके, मेरे पढ़ाई को लेके, जेमिनाई जस्ट रिलैक्स एंड थिंक, बिकॉज आई सी पूरा सिचुएशन आपके कंट्रोल में है. यहां पे व्हाट स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको ऑलरेडी आपके आंसर्स पता है. ठीक है, आप ऑलरेडी आपके आंसर्स आपको पता है, आप ऑलरेडी इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो. जो लोग कंफ्यूज्ड हो स्पेशली कि मेरा सिचुएशन ऐसा क्यों है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या बिगाड़ा है, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है जेमिनाई. यू आर समबडी वेरी स्पेशल, यू आर समबडी जो हु इज अ मल्टीटास्कर और जिसमें बहुत सारा टैलेंट है या जो बहुत कुछ साथ में संभाल सकते हो आप. यू आर समबडी वेरी गिफ्टेड. आई डोंट नो ये गिफ्ट क्या है, मे बी ये कुछ स्पिरिचुअल हो सकता है, मे बी ये कुछ टैलेंट हो सकता है, मे बी आप बहुत इंटेलिजेंट हो जेमिनाई. हर किसी के लिए ये ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, बट आई सी कि आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू कि आप ये गिफ्ट को यूटिलाइज करें अपने लाइफ में. आपको जो गिफ्ट दिया गया है फ्रॉम स्पिरिट, यूटिलाइज दैट गिफ्ट जेमिनाई. आप अगर कन्फ्यूज हो कि As I said earlier, मुझे ये करना है नहीं करना है, मे बी यू आर डूइंग समथिंग जो बहुत ही चैलेंजिंग है, जो बहुत ही चैलेंजिंग है एज इन कि पहले आपने ऐसा कभी किया नहीं था या आपके फैमिली में कोई ऐसा कभी किया नहीं है, बट आप ये करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में सब इंजीनियर डॉक्टर है, बट आप डांसर बनना चाहते हो, आप पेंटर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट जेमिनाई, डेफिनेटली. एंड ऑल्सो अगर आप सोच रहे हो क्या मैं दोनों साथ में कर सकता हूं, लाइक क्या मैं पढ़ाई भी करूं और कुछ क्रिएटिव भी करूं, ऑब्वियसली येस, बिकॉज आई कैन सी आप बहुत कुछ अगर साथ में करना चाहते हो आप वो कर सकते हो. यू विल बी सक्सेसफुल एंड डेफिनेटली सम सक्सेस इज कमिंग इन. सो जो लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, आई सी यू आर सेलिब्रेटिंग दिस सक्सेस हियर, बट आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस है जो आपको हटाना है जेमिनाई. हैव क्लैरिटी, एंड ये क्लैरिटी कौन ला सकता है, सिर्फ आप ला सकते हो अपने सिचुएशन में. ये जो भी ब्लॉकेज है जो आपको पीछे रोक रहा है, इट इज टाइम कि आप उस ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करें. ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ जेमिनाई, डोंट बी इनडिसाइसिव एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग जो आपने सोचा है. आप किसी चीज के लिए वर्क करना चाहते हो, चाहे वो आपका करियर में हो, चाहे वो कुछ नया हो, चाहे वो अपने प्रेजेंट जॉब सिचुएशन में हो, आप अपना रूटीन चेंज करना चाहते हो, आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आपने कुछ मे बी अपना बकेट लिस्ट बनाया जो आप अचीव करना चाहते हो, आपका कोई एम्बिशन है, डिफरेंट चीज हो सकता है आपके लिए. सो जस्ट डू इट, यू नो, मेक दैट फर्स्ट स्टेप इज व्हाट योर मैसेज इज. आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना है एंड द यूनिवर्स हैज योर बैक जेमिनाई. So don't be scared, don't be afraid ki what if I fail, what if this happens, that happens. Just try, okay? Kyunki agar aap try nahi karoge, aapko kabhi pata nahi chalega ki aap kitne kabil ho. But I see bahut sare log yahan pe aap multitasking karne wale ho. I don't know why, how aur kahan pe. But I see you guys multitasking. Bahut kuch aap saath mein kar rahe ho. Let's see aapka advice kya hai Gemini. What is your advice from spirit? Okay? So the first card is meditation for creativity. Exactly. Creativity. Create something. ये general advices है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके like career से related हो या सिर्फ ये आपके financial situation से related हो. ये कुछ भी हो सकता है. Being creative can also talk about कि out of the box, like do something out of the box with your situation. Also, यहाँ पे बहुत सारे लोग, I feel आपको कोई particular health issue है, ये बहुत ही minor health issue हो सकता है, like आपको migraine है या आपको maybe थोड़े से nightmares आ रहे हैं recently, बुरे सपने आ रहे हैं या something, आपको anxiety हो रहा है without any reason. I think
दिस इज बिकॉज या तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो किसी बात का, या तो आप बेसिकली अपने क्रिएटिव साइड को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. नाउ क्रिएटिव मतलब ये नहीं कि आप बैठ के उस क्रिएटिविटी से पैसा इनकम करो या आप उस क्रिएटिविटी को एक प्रोफेशन में बदल लो. नो, क्रिएटिव से मेरा मतलब है डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, लाइक अगर आप हर संडे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी जाते हो फॉर एग्जाम्पल, कोशिश करो ये संडे अपने साथ टाइम बिताने की. आपको क्या करना अच्छा लगता है वो करने की. अगर आप मे बी स्पेशली अगर आप चाइल्डहुड में कुछ करना पसंद करते थे, आई एम हियरिंग नॉस्टैल्जिया. बहुत सारे लोग आप चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हो किसी रीजन से, चाइल्डहुड फोटोज देख रहा है यहाँ पे कोई, या रिसेंटली आप देखे हो अपने कोई चाइल्डहुड पिक्चर, या आपको किसी ने अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई कहानी सुनाई है, या मे बी आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड. कोशिश करो वो सब करने की. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलीफ. वो चीज आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगा. आपको मे बी आंसर्स मिलेंगे, मे बी आपको आपके माइंड थोड़ा सा क्लैरिटी, लाइक आपके माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा अपने लाइफ के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में. मे बी अगर आप बचपन में कुछ करना पसंद करते थे, कोशिश करो वो फिर से करने की, लाइक अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को रिविजिट करो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जेमिनी. लेट अस सी व्हाट एल्स डू वी हैव स्पिरिट. Advice for my Geminis. What else can I have? Advice for my Geminis here. Ooh. Wait a minute. Yeah. So I have affirmations for acceptance. Meditate karo Gemini. Accept something. Yeah. Uske baad wala card hai gratitude and thanks. आई थिंक जेमिनी यहाँ पे आप बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो, या आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आप में कुछ मैजिकल है, आप में कुछ पावर्स है. लाइक पावर से मतलब ये नहीं कि आप मैजिशियन हो या समथिंग, नो. पावर से मतलब ये है या तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, मे बी आप बहुत पॉजिटिव माइंडेड एक पर्सन हो, मे बी आप में ऐसा पावर है कि आप लोगों को अपने बातों से हील कर सकते हो, आप कंफ्यूज लोगों को डायरेक्शन दिखाते हो लाइफ में, या आप कुछ स्पिरिचुअल करते हो, मे बी आप टैरो रीडर हो, मे बी आप कुछ भी हो सकते हो. Now what I'm seeing is Gemini, universe is trying to send you blessings. Universe is trying to like tell you ki aapne aas paas dekho, ya to aapko koi blessing milne wala hai, some kind of a blessing jo aap maybe manifest kar rahe the, ya jo aap hamesha se pray karte the ki kaash aisa hota ki main for example, काश ऐसा होता कि मेरे लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होता जो मुझे समझता, जो मेरे साथ ऐसे बात करता, हम लोग यहां पे जाते, हम लोग ऐसे मस्ती करते. मे बी आपको यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा फ्रेंड मिल रहा है जो आपके ड्रीम्स को लाइक पूरा करे. ये बस एक एग्जाम्पल था. सो आप जो भी यहां पे मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो मुझे, आई थिंक कोई मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है, या आपको यूनिवर्स से कुछ ब्लेसिंग्स मिल रहा है. ऑल्सो योर मैसेजेस, दिस इज टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज टाइम टू हैव लाइक, इट इज ऑल्सो स्प्रिंग टाइम जेमिनी. आई जस्ट थॉट कि दैट इज द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग, कि लाइटन योर एनर्जी, लाइटन योर लोड. आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जेमिनी. आई डोंट नो, बिकॉज आप जेमिनी हो सो ऑब्वियसली जेमिनीज हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं. बट लेट मी टेल यू जेमिनी, गुड टाइम्स आर कमिंग. सो आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. जिस भी चीज में आप टेंशन ले रहे हो, कुछ लोग पढ़ाई के लिए टेंशन ले रहे हो, डोंट. दिस इज टाइम कि आप थोड़ा सा एंजॉय करो अपनी लाइफ को, नेचर के साथ टाइम बिताओ, आपको जो करना है वो करो, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, मे बी जस्ट टेक अ बाथ, डू सम रिचुअल, मे बी जस्ट स्पा कर लो, कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है. बट दिस इज द टाइम टू लाइटन योर एनर्जी. डोंट स्ट्रेस सो मच, बिकॉज आप जितना स्ट्रेस करोगे, जितना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे, जितना आप नेगेटिव सोचोगे, आप बेसिकली उतना ही नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे. या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज. सो डेफिनेटली एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन जेमिनी. या तो एज आई सेड बहुत ही पहले आपकी रीडिंग के शुरुआत में, कि या तो आप रिसेंटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हो, आप में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है यहाँ पे जेमिनी. आई डोंट नो, बट आई सी की एक चेंज आ रहा है. आई सी आप बहुत ही लाइक आपके करियर में हो सकता है ये चेंज आए, आपके करियर से रिलेटेड, या
आपके पर्सनल लाइफ, आपके हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, बट आई डेफिनेटली सी यू ट्रांसफॉर्मिंग. बहुत सारे लोग, लाइक आपने बहुत कोशिश किया था, लाइक आप जहां पे देखते हो अपने आप को फ्यूचर में, आई थिंक दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बिगिनिंग. कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं बस, कुछ लोग मे बी आप, फॉर एग्जाम्पल आप अपना वेट कम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो आप जिम जाओ, आप मसल्स बिल्ड अप करो, आप भी लाइक ऋतिक रोशन जैसा दिखो एक दिन. सो आई थिंक दैट इज हैपनिंग. अगर आप इस वक्त शुरुआत करोगे स्ट्रेस ना लेके, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रह के एंड सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने बॉडी को हेट करते हो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस जेमिनी. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मुझे जिम जाना है बिकॉज आई एम अगली, आई डोंट लुक गुड, नहीं दैट इज रॉन्ग. या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और भी ज्यादा बिकॉज आप सोच रहे हो कि नहीं लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट डाउट योर सेल्फ, बिकॉज आप जैसे हो आप बहुत ही स्पेशल हो, यू आर गिफ्टेड जेमिनाइज, जो लोग ये देख रहे हो. सो ट्राई, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा होता है. अगर आप कुछ बनना चाहते हो जरूर आप बन सकते हो, बट पहले खुद को एक्सेप्ट करो आप जैसे हो वैसे, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू नीड टू फील दैट. ठीक है, एंड डेफिनेटली हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन, चेंजेस आ रहा है, द न्यू साइकिल इज बिगिनिंग, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन, हैप्पी चेंजेस जेमिनी. So that is what I have for you and I wish you all the very best. I hope ye aapko acha lagega, resonate karega, and agar kare then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and main aapse milungi next reading mein. Till then take care and goodbye.